ऑप्शन है, इसमें आइसोलेटर का स्विच है। तो अभी जो है ये ऑन पोजीशन में है, मतलब जो लाइन है उधर में जो हमारा आइसोलेटर से जम्पर से जा रहा है, और टीपीसी से टीपीसी परमिशन देता है, उसके बाद ही हम लोग पावर ब्लॉक ले सकते हैं। इससे हम लोग सिर्फ पावर ब्लॉक ही ले सकते हैं। तो पावर ब्लॉक लेने के लिए कुछ सेफ्टी मेजरमेंट भी है, जो हमारा आइसोलेटर मास्क है उसमें बॉन्ड होना चाहिए, और बाकी जो सामान है तो वो तो दिखाते हैं। अभी आइसोलेटर कैसे ऑपरेट होता है तो हम लोग दिखाएंगे। ये हमारा पैड सॉरी इंटरलॉक है, तो इंटरलॉक पर खोला जाएगा और जो इंटरलॉक का काम करेगा भी हो सकता है, आवाज भी आ सकता है, इससे डरने का कोई जरूरत नहीं है। बट एक झटका में इसको उतारना है, उतारो। देखिए अभी ये ऑफ कंडीशन में आ गया है, और ऊपर भी देखिए जो आइसोलेटर का फीमेल पार्ट से मेल पार्ट अलग हो चुका है, ठीक है। तो अभी हमारा पावर ब्लॉक हो गया है, मेल लाइन और साइडिंग लाइन जो सेम एलिमेंट्री सेक्शन वाला हो चुका है। तो अभी हम लोगों को डिस्चार्ज और लगा काम करना है, इसको लॉक कर देना है। लॉक करो इसको, लॉक करके चाबी निकाल लेना है। ये ऊपर नहीं कोई कर पाए, और चाबी को किसी अलग बंदा या किसी की जिम्मेदारी पर्सन के पास रखना है जब तक पावर ब्लॉक आपका चलेगा, ठीक है। फिर हमारा जब काम खत्म हो जाएगा, पहले इंश्योर करना है डिस्चार्ज और हम लोग खोल दिए हैं, उसके बाद ही फिर हम लोग इसको ऑपरेट करेंगे लाइन को चार्ज करने के लिए टीपीसी से परमिशन लेंगे। तो अभी हम लोग फिर इसको ऑफ पोजीशन से ऑन पोजीशन में लाएंगे, ठीक है। फिर चाबी देखें, इसको इंटरलॉक को अभी खोलना पड़ेगा, देखिए देने से नहीं उठेगा, ठीक है। तो अभी इंटरलॉक से उठाएंगे, करो, और हैंड ग्लव्स यूज करना है। क्लोज करके चाबी निकाल देना है, हमारा लाइन जुड़ गया है, लाइन चार्ज हो गया है। यही तक का आज का वीडियो था। देखिए और ये नीचे नहीं आएगा, अभी ऑन पोजीशन में आ गया है, आइसोलेटर क्लोज हो गया है, ऊपर मेल पार्ट से फीमेल पार्ट जुड़ गया है, और लाइट आगे जो पीछे तक था वो अभी कंटिन्यू होने लगा है। यही तक का था। थैंक यू।